बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी रिटायर्ड हो जाएं और जितने भी उनके शौक होते हैं उन शौक को पूरा कर पाएं। जैसे कि किसी को शौक होता है कि वो बाहर मतलब घूमने फिरने जाएं, या फिर किसी का शौक होता है कि वो अध्यात्म की जिंदगी में मतलब रुचि लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम रिटायर्ड होके उस दुनिया में चले जाएं। तो ये सब चीजें, सबके अलग अलग शौक होते हैं, कुछ लोगों के और भी डिफरेंट डिफरेंट शौक होते हैं। तो कहना ये है दोस्तों कि इन सारे शौक को पूरा करने के लिए लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द 45 से 50 साल की उम्र में पक्का रिटायरमेंट ले ही ले। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टोको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट तो सभी चाहते हैं और अच्छा रिटायरमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने सारे शौक अरमान को हम पूरा करें, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है कि आपको रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीज की आपको दिक्कत ना हो, आपका लाइफ जैसे चल रहा है वैसे ही मतलब स्मूथ ढंग से चलता रहे, तो उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी। और वो प्लानिंग में चार ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि रिटायरमेंट तो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट हम अर्ली ले लें, मतलब 45 से 50 साल की उम्र में ले लें। लेकिन उस रिटायरमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या आपने उसकी प्लानिंग की है। प्लानिंग कहने करने का मतलब यह है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो उम्मीद करते ही नहीं है कि हमें कितने पैसों की जरूरत आगे पढ़ सकती है। तो अगर आपके पास उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, आपने उतने पैसे जमा कर रखे हैं, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज अभी तो आपको काम करने की जरूरत ही है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूं। मान लीजिए कि अभी आपका मासिक खर्च 50,000 रुपए का है, तो आपको सालाना 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो आपको अपना रिटायरमेंट प्लान, मान लीजिए आप 45 साल की उम्र के हैं और या 50 साल की उम्र के हैं और आप चाहते हैं कि हम यहां से रिटायर हो जाए, तो कम से कम आपको 85 ईयर्स तक का आपका जो भी मतलब जितना खर्च होता है उसका तो आपको आंकड़ा इकट्ठा कर लेना चाहिए। 85 ईयर्स कहने का मतलब यह है कि 50 में आपने रिटायरमेंट लिया है, तो मतलब आगे आपको 35 साल तक के आपको पैसे चाहिए। और एक साल में आपका 6 लाख रुपया लगता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उतने पैसे अगर आपने जमा कर लिए हैं तो आप रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि आप अपना एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि आपको रिटायरमेंट के बाद इतने पैसों की जरूरत है। तो आप पहले उन पैसों का व्यवस्था कर लीजिए, तभी आप रिटायरमेंट अर्ली ले सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप रिटायरमेंट तभी ले सकते हैं जब आपके ऊपर किसी भी तरह का लोन कर्ज ना हो। अगर आपका कर्ज चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम अपना काम धंधा छोड़ के हम रिटायर्ड हो जाएं, क्योंकि मतलब हमें अपना शौक पूरा करना है, तो आप गलत वे में चल रहे हैं। आपको रिटायर्ड होने से पहले अपने सारे लोन को खत्म कर देना है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को खत्म कर देना है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनके बाल बच्चे पढ़ लिए होते हैं लेकिन अभी शादी वगैरह नहीं हुआ है, तो अभी आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है। जब आप ये सारा काम कर देते हैं तो आप रिटायर्ड हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये होता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का लोन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब जैसे मोस्टली लोग जो होते हैं वो 20 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट कर देते हैं। अगर 20 साल में नहीं किए तो 25 साल में तो नौकरी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो ये जो 25 से 30 साल का उम्र होता है, इसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप 40 से 45 साल की उम्र में सोच रहे हैं कि हम थोड़ा रिस्क लेते हैं, हम यहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है,
हमारा जो जोखिम भरने का क्षमता होता है वो हम कम करने लगते हैं। और जो लोग ये सब चीज सोचते नहीं है और अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने पैसों को खत्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहना ये है कि मान लीजिए कि आपने अपनी इनकम का या अपने इन्वेस्टमेंट का 75% इक्विटी में लगा रखा है, तो अगर आप 45 से 50 साल की उम्र में है तो ये आपको जो आपका प्रतिशत है, परसेंट है, उसको घटा के 10 से 15% करना चाहिए, क्योंकि अब आपकी स्थिति ज्यादा रिस्क लेने की बिल्कुल भी नहीं है। और चौथा जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपको रिटायरमेंट लेना है, अर्ली रिटायरमेंट, तो आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जब यंग होते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते ही नहीं है, वो सोचते हैं हम तो भले चंगे हैं, इसमें पैसा वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो पहली चीज तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस का जो हमारा पैसा होता है, जो हमारा वहां पे प्रीमियम जाता है, वो भी बढ़ता जाता है। उम्र बढ़ी तो हमें प्रीमियम ज्यादा देना होगा, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कम उम्र के हैं उसी समय हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, ताकि हमें प्रीमियम कम देना हो। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि आगे आने वाली जिंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जिन लोगों ने, मैं अक्सर अपने वीडियो में आप लोग कहती हूँ कि इंश्योरेंस को छोटा ना समझे, और इंश्योरेंस जो होता है ना वो किसी तरह का बचत नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट ही होता है। और ये इन्वेस्टमेंट मतलब ये वो चीज होता है कि हमें हमारा पैसा सिक्योर है, अगर हमारे पास कोई हारी बीमारी की स्थिति आई तो हमारा पैसा वहां से लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट से पहले हमें ये भी चीज सोचनी चाहिए कि क्या हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जिसके बारे में आपको सोचना जरूरी है रिटायरमेंट लेने से पहले, क्योंकि शौक तो सारे होते हैं। और मैं ये विश भी करती हूँ कि सारे लोगों का सारा जो भी शौक है वो पूरा हो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ रणनीति भी तो बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और जो इस चैनल पे नए हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को मत जाइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।